मंजू, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एपिलेप्सी डे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये एपिलेप्सी डे क्यों मनाया जाता है और ये एपिलेप्सी होता क्या है। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी भी कहते हैं। व्यक्ति के दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होने पर व्यक्ति के दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है और वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। ये कहेंगे कि इस बीमारी में व्यक्ति का जो दिमाग है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होने लगती हैं। इस भयंकर बीमारी से अवेयर करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 17 नवंबर को एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जिनमें एपिलेप्सी के कारण का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है कि इसमें व्यक्ति कई बार बेहोश हो जाता है। ये दो तरीके का होता है, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। पहले हम इसके कारण देख लेते हैं कि एपिलेप्सी रोग होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एपिलेप्सी होने के कई कारण हैं, जैसे दिमाग में चोट लगना, तेज बुखार होना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इसका एक कारण है, नशीली दवाओं का यूज करना और अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में लेना, ये सब एपिलेप्सी के कारण हैं। 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में स्ट्रोक की वजह से यह बीमारी देखी गई है, या ये कह सकते हैं कि 35 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो स्ट्रोक की वजह से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और यह बीमारी इस बात पर डिपेंड करती है कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद हुई है, और जिस हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद होगी उस वजह वहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से भी कहा गया है कि स्ट्रोक की वजह से भी यह बीमारी होती है, और ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुँचने पर भी यह बीमारी होती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ब्रेन तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता जितना ब्रेन को चाहिए होता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से भी यह बीमारी हो सकती है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर, फोड़ा, अल्जाइमर और एड्स और मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और इसके अलावा 2-5% लोगों में यह बीमारी जेनेटिक कारणों की वजह से भी देखी गई है। एपिलेप्सी दो प्रकार का होता है, एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और एक फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में जो रोगी को दौरा पड़ता है वह पूरे दिमाग में पड़ता है, जिसके कारण रोगी का शरीर सुन पड़ जाता है और उसका पूरा शरीर सख्त होने लगता है, और इस दौरे में रोगी अपने यूरिनरी ब्लैडर और आंतों पे अपना कंट्रोल खोने लगता है, और उसकी जो जीभ है वह दांतों के तले दबने लगती है, और इसमें एक तरीके से व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। सेकंड है फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में रोगी के ब्रेन में, मतलब ब्रेन के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल तरंगे दौड़ती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में रोगी के पूरे ब्रेन में दौरा आता है, लेकिन फोकल एपिलेप्सी में क्या होता है, फोकल एपिलेप्सी में कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल तरंगे दौड़ती हैं जिसके कारण रोगी के सूंघने और चखने की जो उसकी क्षमता है उसमें चेंज आने लगता है, और देखने, सुनने और स्पर्श करने की जो उसकी क्षमता है वह नष्ट होने लगती है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है। कंपन से मतलब उसके शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा होने लगती है, और उसके शरीर के अंगों में
मरोड़ मरोड़ सी होने लगते हैं, मतलब शरीर के अंग ऐसे लगता है कि जैसे सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, और उनमें एक अकड़न आ रही है। अकड़न से मतलब उस शरीर में एक मरोड़ सी आ रही है। अब तक हमने देखा कि एपिलेप्सी क्या होता है और इसके कारण क्या हैं और इसके कितने प्रकार हैं। अब हम देखेंगे कि इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से को किस प्रकार क्योर किया जा सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है जिसके माध्यम से इस डिसऑर्डर को क्योर किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर नींद लें और नशीली दवाओं और अल्कोहल का सेवन ना करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को ऐड करें, प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। लेकिन हाँ, मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि जब भी आप योग का अभ्यास करें तो किसी अच्छे योग गुरु की गाइडेंस में ही करें, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि आपको कौन कौन से आसन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। क्योंकि आसन बहुत सारे हैं और प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, इसीलिए कौन सी प्रॉब्लम में कौन से आसन लाभ करते हैं और कौन से नुकसान कर सकते हैं, वही आसन करने हैं जिनसे आपको उस प्रॉब्लम में आराम मिले। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ओरल बता देती हूँ कि आपको कैसे आसन का आरंभ करना है और कैसे आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है। सबसे पहले जब भी आप योग का अभ्यास करें, फर्स्ट वीक आपको सारे आसन एक साथ नहीं करने हैं। जैसे फर्स्ट वीक आप सूर्य नमस्कार और उत्तान पादासन ये कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद सूर्य नमस्कार करें, उत्तान पादासन करें, और उसके बाद अनुलोम विलोम, उज्जायी प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत, इन प्राणायाम को अपने अभ्यास में जरूर ऐड करें। क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें प्राणायाम एक रामबाण की तरह कार्य करता है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्राणायाम के माध्यम से बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। इसके बाद 1 वीक करने के बाद सेकेंड वीक में आपको 3 आसन इसमें और ऐड करने हैं। पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार और उत्तान पादासन, उसके बाद आप इसमें पश्चिमोत्तानासन और त्रिकोणासन और एक आसन और है भुजंगासन, इसमें आप ये 3 आसन ऐड करें और प्राणायाम सेम रहेंगे, बस आप इसमें इनका थोड़ा समय और बढ़ा दें। जैसे आप मान लीजिए पहले 5-5 मिनट्स कर रहे थे, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए जिससे आपको और ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद आता है थर्ड वीक। थर्ड वीक में आपको सेम आसन करने हैं जो अब हमने फर्स्ट और सेकंड वीक में किए हैं, उसके बाद फिर रूटीन सेम रहेगा, सूक्ष्म व्यायाम करें और उसके बाद सूर्य नमस्कार, उत्तान पादासन और जो हमने सेकंड वीक में ऐड किए थे पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन और त्रिकोणासन, उसके बाद आप इसमें धनुरासन और हलासन और सर्वांगासन और उसके बाद शवासन करना ना भूलें। अभी हमने जो थर्ड वीक में ये 3 आसन ऐड किए हैं, ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन 3 आसन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए पहले अपने शरीर को समझें कि आप कौन से आसन कर सकते हैं, तभी हम आसन का अभ्यास करें। उसके बाद प्राणायाम सेम है जो हम फर्स्ट वीक से करते आ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम और इसमें बढ़ा दीजिए। और इस प्रकार एपिलेप्सी जैसी भयंकर बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हमने एपिलेप्सी टॉपिक को पढ़ा और ये नेशनल एपिलेप्सी डे मनाने का रीजन भी यही है, जिससे भारत के लोगों को एपिलेप्सी या कहें कि मिर्गी जैसी भयंकर बीमारी के प्रति अवेयर किया जा सके।
यदि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।